Hey listener, welcome to the Fever of Adsense show sponsored by blogrankseo.com. Okay, introduction. किसी भी चीज़ के लिए introduction बहुत ज़रूरी होता है. और introduction में क्या होता है, introduction is nothing but a set of question and answer. Okay. तो हर चीज़ के लिए हमारे mind में कुछ question होते हैं, जैसे कि who, what, where, why, how. ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो है आपको मैं बताऊंगा कि ये ट्रेनिंग है क्या, कैसे होनी है, सब चीज़ें. ठीक है, ओके, कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. हु आई एम, ऑल राइट. जैसे किसी भी बुक के कवर को देख के हम जज नहीं कर सकते कि बुक कैसी है, उसको रीड करने के बाद ही पता चलता है वो बुक अच्छी है या बुरी. लेकिन ये बात भी 100% प्रूफ है कि उसका प्रेफरेंस पढ़ लेने के बाद, यानी जो शुरू के दो तीन पेजेस होते हैं जिसमें ऑथर के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा सा बुक के बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन होता है, वो पढ़ लेने के बाद आधी बुक समझ में आ जाती है. तो ये क्वेश्चन भी जो मैंने ऐड किया है वो कुछ उसी तरह से है, जिसको पढ़ लेने के बाद आपको आधी ट्रेनिंग समझ में आ जाएगी. ठीक है, और ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं. हु आई एम, ओके, मेरा नाम सैयद अबूजर है. जो आपने मेरा अगर एस वाई देखूंगे, एस वाई का मतलब होता है सैयद. ठीक है, अबूजर. आई एम फाउंडर ऑफ blogrankseo.com. ये ब्लॉग है, इसमें मैं पार्टनरशिप में जो है फाउंडर पार्टनरशिप है मेरी मोहम्मद ताबिश के साथ, जो कि पाकिस्तान से है और मैं इंडिया से हूँ. ठीक है, हम दोनों इस ब्लॉग में पार्टनरशिप है. ठीक है, पार्टनर है हम दोनों इस ब्लॉग में. और एक्चुअली मैं सबसे पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, उसके बाद में जो है मैं ब्लॉगर हूँ. फर्स्ट पैशन मेरा इंजीनियरिंग है. ठीक है, और आपको अगर मेरे बारे में ज़्यादा जानना है और तो आप यहाँ से रीड मोड पे जाके, ब्लॉग रैंकिंग ये वेबसाइट है मेरी, इस पे जाके रीड मोड पे करोगे आप यहाँ पे डाउन में, तो आपको इस पेज पे आ जाएगा. इसमें आप मेरे बारे में और जान सकते हो. वैसे कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा पॉपुलर मतलब एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो ज़रूरत नहीं है इसकी वैसी करने की. ऑलराइट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, इस वीडियो ट्रेनिंग का नाम जो है मैंने रखा है फीवर ऑफ एडसेंस, मींस एडसेंस का बुखार. तो ये एक्चुअली इसलिए रखा है कि ये जो ट्रेनिंग है हमारी, ये अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग पे, यानी अमेजोन से किस तरह मनी अर्न कर सकते हैं, पैसे किस तरह कमा सकते हैं अमेजोन एफिलिएट से, तो वो इस ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊँगा. और जो है एडसेंस फीवर, ये एक्चुअली अगेंस्ट एडसेंस के मतलब जो है ये ट्रेनिंग है कि भाई एडसेंस ना यूज़ करके, क्योंकि जो लोग एडसेंस यूज़ करते हैं और तो उनको पता है कि एडसेंस के मनी अर्न करने में कितनी मतलब जो है डिफ़िकल्टीज है. क्योंकि एडसेंस जो है मतलब जो कि गूगल का प्रोडक्ट है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, यानी जब कोई विजिटर आपका आपके एड्स पे क्लिक करता है तो आपको उसके पैसे मिलते हैं, जो कि बहुत कम रेट में होते हैं, बहुत कम होते हैं, मतलब नेग्लिजिबल समझ लो एकदम, जिसको कंसिडर नहीं करना चाहिए उसमें पैसे मिलते हैं. और आपको मतलब जो है अगर एडसेंस से अच्छी मनी अर्न करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के लिए वेबसाइट रैंक चाहिए, ब्लॉग रैंक चाहिए आपका. और रैंक करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें फैक्टर है जो कंसिडर करना पड़ती है. और गूगल जो है बिजनेस कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है पैसे गूगल एडसेंस के थ्रू कि बस आपको जो है यूँ ही पैसे दे देगा. एडसेंस बिजनेस कर रहा है एक्चुअली. जो एडवर्टाइज़र है फॉर एग्जाम्पल, जिसका कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप बॉडी बिल्डिंग का, कोई कंपनी है जिसके पास, जिसने बॉडी बिल्डिंग के कुछ प्रोडक्ट बनाई है और वो एडवर्टाइज़ कर रही है, तो वो बिड करती है. ठीक है, ऐसे बहुत सारी एडवर्टाइज मतलब जो है कंपनीज होंगी जो बॉडी बिल्डिंग के जो है प्रोडक्ट्स बनाती होंगी, और उन्होंने बिड किया होगा इस पर, मतलब लगाई होंगी अपनी बोली लगाई होंगी कि हमारी एड्स शो हो करके. ठीक है, और गूगल जो है उनका मतलब वो पैसे लेता है, और उसका बहुत थोड़ा कम हिस्सा जो है मतलब जिसको कंसिडर भी नहीं कर सकते हम, वो जो है मतलब अपने पब्लिशर को देता है, यानी पब्लिशर बोले तो जो उनकी एड्स, जिनके पास गूगल एडसेंस का मतलब अकाउंट होता है, जो एड शो करते हैं अपने ब्लॉग पे. ठीक है, तो और जब मेन जो फैक्ट है, जो मनी अर्न नहीं, मनी जो गूगल एडसेंस से बहुत कम पैसे कमाने का, वो ये है कि उससे एक्चुअली मतलब क्लिक करने पर ही पैसे मिलते हैं. तो अगर क्लिक तभी होगा ना जब विजिटर मतलब उसको बाय करना चाहेगा या कोई चीज़ उसमें इंटरेस्टेड होगा, और यूजुअली वो चीज़ नहीं होती है. मतलब आपके विजिटर उस पर आपके एड्स पे क्लिक नहीं करते हैं, तो आपको उसकी मनी भी अर्न नहीं होती है. लेकिन अगर जो बंदा क्लिक करता है उस पर, जो विजिटर आपका क्लिक करता है, तो वो उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है या इंटरेस्टेड होता है उसके बारे में और नॉलेज गेन करने के लिए, जानने के लिए,
तो वो जो है उस पर क्लिक करता है। तो क्यों ऐसा ना हो कि आपको मतलब एक क्लिक के, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पकड़ो 1 रुपया मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो 1 रुपया तो नहीं मिलता है एक्चुअली। आप सपोज करो कि 1 रुपया मिल रहा है, ठीक है, सिर्फ क्लिक होने का, एक क्लिक होने का आपके एड्स पे, ठीक है, वो चाहे प्रोडक्ट ले या ना ले। तो क्यों बेहतर क्यों नहीं ये, उससे बेहतर है कि एडसेंस की आप एडसेंस एड्स की जगह पर आप जो है अमेजोन एफिलिएट के मतलब प्रोडक्ट्स के वहाँ पे मतलब जो है आपके बैनर से नहीं एफिलिएट लिंक लगाओ, आपके एफिलिएट बैनर लगाओ, ताकि अगर कोई मतलब विजिटर उस पर जाए तो उसके मतलब क्लिक करने के तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है अमेजोन, क्योंकि ये जो है पॉपुलर ब्रांड है ना इंडिया में, तो वर्ल्ड नंबर इंडिया का वन नंबर जो है प्लेस है, मार्केटिंग प्लेस है, यहाँ पे इससे मतलब यहाँ पे परचेस कर सकते हैं कोई भी चीज़, और पॉपुलर है, लोगों का ट्रस्ट है इस पर। तो अमेजोन से कोई भी मतलब अमेजोन की सबसे मतलब पहली चीज़ तो जो उसमें अच्छी चीज़ है वो ये क्या, लोगों का उस पर ट्रस्ट है। सेकंड चीज़ चीप प्राइस, मतलब जो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है जितने भी वो चीप प्राइस के, यानी कोई भी मतलब खरीद सकता, और चूँकि लोगों का उस पर ट्रस्ट है तो कोई भी खरीदता। और मतलब अक्सर तो ये होता है कि जब कोई भी चीज़ एक मतलब वहाँ पे वेराइटी बहुत ज़्यादा है, और एक चीज़ उसकी ये भी है कि वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, यानी अलग अलग टाइप के अलग अलग, अगर शूज़ की फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले ले शूज़ का, तो शूज़ बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं वहाँ पे, देखो वैरायटी मिलती है लोगों को वहाँ पे देखने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है बाय करने के, ठीक है। और चूँकि चीप प्राइस होती है, यानी अपने मार्केट से जो है वहाँ पे ऑनलाइन मार्केट में सस्ता मिलता है, तो लोग वहाँ से बाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ट्रस्ट है, वैरायटी है, उसके बाद में ये है कि अक्सर लोग एक चीज़ बाय करने के लिए जाते हैं और दो चीज़ बाय कर लेते हैं, यानी आपको और ज़्यादा कमीशन मिलने के चांसेस है अमेजोन में। और ज़्यादातर तो जो चाइनीज़ ब्लॉगर होते हैं वो अमेजोन एफिलिएट को ही मतलब जो है अपना मतलब प्राइमरी अर्निंग सोर्स बनाते हैं। जितने भी मेरे चाइनीज़ ब्लॉगर फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको अक्सर पूछा, तो वो बताते हैं कि जो जितने भी न्यू कमर होते हैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वो जो है अमेजोन को ही चूज़ करते हैं अपना प्राइमरी अर्निंग का मतलब जो है सोर्स बनाने के लिए। और हमारे इंडिया में या फिर पाकिस्तान में जो है लोग प्राइमरी जो है अपना अर्निंग सोर्स ब्लॉगर जो होते हैं नए आने वाले, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो गूगल एडसेंस को बनाते हैं। गूगल एडसेंस में प्रॉब्लम तो एक ये है कि वो पहली बात इनिशियली सबको मतलब नहीं मिल जाता, डायरेक्ट नहीं मिल जाता, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे मतलब पहले तो 3 महीने तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, 3 महीने अप्लाई करने के बाद नो ऐसा मतलब जो गारंटी नहीं है कि वो आपको अप्रूव होगा, उसके लिए बहुत सारे टर्म्स वगैरह है, और उसके बाद में अगर आपसे कोई गलती होती तो बैन होने की भी मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो अमेजोन जो है उससे करोड़ों मतलब जो है गुना अच्छा है पैसे अर्न करने के लिए भी, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लिक से अच्छा है मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट बेचना। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, मतलब अर्निंग रिपोर्ट्स देख सकते हो कुछ ब्लॉग लोगों की, कि वो अमेजोन से कितने मतलब कई जो है बिलियन मतलब पैसे कमा रहे हैं, कई लाख लोग कमा रहे हैं उससे, ठीक है, 6 फिगर बहुत सारे 4 फिगर लोग यानी बहुत ज़्यादा उससे अर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अमेजोन से कैसे अर्न करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वेयर आई फाइंड दिस आइडिया। इसके आंसर में जो है मेरा जो है फोर्थ वाला जो है क्वेश्चन, व्हाई आई एम डूइंग फॉर फ्री दिस फॉर फ्री, ये भी कवर हो जाएगा। एक्चुअली ये एक ग्रुप है फेसबुक पे, आस्क हस्साम, हस्साम अहमद का एक ग्रुप है जो कि ब्लॉगर है पाकिस्तान के, ब्लॉगिंग ehow.com है उनकी वेब ब्लॉग, तो उनका जो है वो है ग्रुप है फेसबुक पे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मतलब पोस्ट कर रहे हैं कि फेसबुक में उनको सॉरी गूगल एडसेंस में उनको प्रॉब्लम जा रही है, मनी अर्न नहीं हो रही है, ब्लॉग रैंक नहीं हो रहा है। और वहाँ से मैंने नोटिस करना शुरू किया, तो वो कुछ मतलब पोस्ट इस तरह से थे उसमें कि भाई USA का गूगल एडसेंस फॉर सेल, पाकिस्तान एडसेंस फॉर सेल, नॉन होस्टेड होस्टेड फॉर सेल, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से मतलब कुछ पोस्ट देखे मैंने। और उसको फिर मैंने जो है स्टडी करना शुरू किया, तो पता चला कि मतलब ये इस तरह हो रहा है, यानी पहले तो यह होता है कि पाकिस्तान में और इंडिया में मतलब इंडिया के लोगों को गूगल एडसेंस का अकाउंट मिलना जो है मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। तो उसके बाद में मतलब वो चांसेस आते हैं, उसके बाद में जो ब्लॉग रैंक नहीं होता है नए लोगों का, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि वो कुछ कुछ मतलब ब्लॉगर ऐसे होते हैं जो मनी अर्न करने के लिए जो है पेड कोर्सेज बनाते हैं, है ना, और वो ये लोग जो होते हैं नए ब्लॉगर, तो वो उनको फॉलो करते हैं, उनके मतलब कोर्स परचेज करते हैं। और मैंने फिर वो मतलब देखा कि क्यों मतलब जो पेड परचेज उनके देखे हैं, तो उसमें वो टाइप के SEO सिखा रहे थे जो कि 3 साल पहले यूज़ होती है, तो फिर कैसे किसी का ब्लॉग रैंक होगा, ठीक है। वो सिर्फ अपने अर्निंग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जब मैंने ये अनाउंस किया था वहाँ पे आस्क हस्साम में ग्रुप में,
कि मैं इस तरह का कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है गूगल एडसेंस के अगेंस्ट ये जो होगा अमेजोन से कैसे अर्न करना है, तो वहाँ से कुछ मतलब जो है ब्लॉगर का मुझको ईमेल वगैरह आया कि भाई ये चीज़ें मत सिखाओ ऐसा वैसा, मतलब ये कुछ लोग उसमें मतलब जो गड़बड़ी करेंगे, स्पैम करेंगे। तो एक्चुअली स्पैम वो इसलिए करते हैं लोग कि आपने मतलब मैंने उनको रिप्लाई दिया कि एक्चुअली ये स्पैम इसलिए कर रहे हैं गूगल एडसेंस में भी क्योंकि आपने उनको तरीका सिखाना था, मतलब सही मेथड सिखाना था ब्लॉग रैंक करने का, तो ये नौबत थोड़ी ना आती थी, है ना। क्योंकि उनको तो सबसे पहले तो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में पता ही नहीं था, किसी को भी जो नया आता है ब्लॉगिंग में उसको आप ही ब्लॉगर मतलब पहले सिखाते हो, ठीक है। ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही ब्लॉगर ऐसे होते हैं जो मतलब इस तरह करते हैं, बाकी सब तो अच्छे से मतलब ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। तो कुछ ब्लॉगर वो होते हैं जो उनको बताते हैं नए कमर्स को और फिर उनको जो है पेड कोर्सेज ऑफर करते हैं खुद अर्निंग करने के लिए, ठीक है। और वो बेचारे मतलब इनका मतलब इनकी सक्सेस देख के वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ भाई हम भी सक्सेस हो जाएंगे, तो वो उनके पेड कोर्सेज लेते हैं और उसमें वो ट्रेनिंग होती है जो कि 3 साल पहले ही यूज़ होती है, ठीक है, यानी या फिर पूरी रबिश होती है, बकवास होती है इस तरह से। तो वो उनका गूगल मतलब जो है ब्लॉग रैंक नहीं हो पाता है अगर, क्योंकि जो है गूगल में गूगल के फर्स्ट पेज पे जो है अगर समझ लो फॉर सपोज 7 अगर रिजल्ट शो होते हैं, तो अगर 7 मतलब और दुनिया में कितने ब्लॉगर है ना, और मतलब अगर 7 सिर्फ 7 के लिए पहले पेज पे जगह है तो पहले पेज पे जगह कौन होती है जो जिसके ब्लॉग के रैंक बहुत हाई होती है, ठीक है। तो हर किसी के ब्लॉगर रैंक हाई नहीं हो सकती और हर कोई मतलब जो है ब्लॉगर मतलब अक्सर ब्लॉग जो है ब्लॉगर अपनी टेक्निक्स वगैरह रिवील नहीं करना चाहते, अपने मतलब विजिटर के सामने बोलना नहीं चाहते, है ना, क्योंकि फिर वो भी मतलब जो है वो चाहते कि भाई मैं रैंक होते जाओ आगे सिर्फ और मैं क्या करूँ लोगों के ये मतलब अपने ब्लॉग पे बकवास मतलब जो है पोस्ट पे फिराता जाओ। तो आप सबसे पहले मतलब ब्लॉगर मतलब जो नए ब्लॉगर है उनको करना क्या चाहिए, जो अच्छे ब्लॉगर है फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान में मुस्तफ़ा अहमद जाई है, माय ब्लॉगर ट्रिक्स के ऑनर है, तो उनका बहुत अच्छा ब्लॉग है उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में हसम भाई है ब्लॉगिंग ehow.com के, इनको मैं ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में जानता नहीं हूँ, तो वहाँ से मतलब आप लोगों को मतलब ये दो ब्लॉगर मुझे पता है पाकिस्तान के फेमस ब्लॉगर हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। और इंडिया में मुझे मतलब जो है लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया के जो ब्लॉगर जो है टॉप ब्लॉगर जिनको फॉलो करना है नए ब्लॉगर ने, तो वो तो बहुत फेमस है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मैंने ये आइडिया कहाँ से लिया। मैंने ये आइडिया जो लिया है आज हसम ग्रुप से लिया है कि वहाँ पे मतलब ब्लॉगर को परेशानी जा रही थी एडसेंस से अर्न करने की, तो यहाँ वहाँ से मैंने ये आइडिया उठाया है। तो उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस फ्री, ये फ्री ये एक्चुअली ट्रेनिंग फ्री है, इसमें मैं आपको कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ। ये फ्री इसलिए है एक्चुअली क्योंकि जो न्यू ब्लॉगर है पहले बात तो उनके पास डोमेन बाय करने के लिए भी बहुत सारों के पास पैसे नहीं होते, होस्टिंग बाय करने के लिए पैसे नहीं होते, तो फिर वो कोर्स कैसे परचेज करेंगे। इनका बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर अपने दो कंट्री में, इंडिया और पाकिस्तान में। तो ये ट्रेनिंग फ्री है, एक्चुअली जो चीज़ आपको आती है वो दूसरों को बताने से बढ़ती है वो आपकी नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट फॉर हेल्प है ये, ठीक है। तो मुझको इस ट्रेनिंग के बदले आपसे पैसे नहीं चाहिए और ये मैं YouTube पे अपलोड करूँगा तो पैसों का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। मैं उसको पूरा मतलब फ्री रखने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बदले मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपके ट्रेनिंग के बदले, मुझको कुछ मतलब वादे चाहिए आपसे जो आप हमेशा उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। मैं वो आपको टाइम आने पे बता दे जाऊँगा, कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि हाउ कैन वी ज्वाइन दिस फ्री ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये इस पर है, यूट्यूब पे है, मैं अपलोड करते जाऊँगा वन बाय वन जैसे मुझको फुर्सत मिलती है। एक्चुअली मैं स्टूडेंट भी हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ब्लॉगर भी हूँ, तो मुझको दोनों चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है। तो जो है मतलब इस तरह से मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ आपकी तरह से, मतलब एक इंसान हूँ जिसके पास एक दिन में 24 घंटे है और उसको 24 घंटे में बहुत सारा काम करना है ना, ब्लॉग भी अपने जो है ब्लॉग को भी रैंक करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टडी भी करनी है, घर का काम करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आराम भी करना है ना। तो ये ट्रेनिंग में फ्री है आपके लिए, लेकिन कैसे है मैं इसको मतलब अपने हिसाब से यानी जो है इसको जैसा जैसा मुझको टाइम मिलेगा वैसा वैसा आपको बताते जाऊँगा। मुझको भी इस पर रिसर्च करना है क्योंकि आपको मतलब कैसा है जो चीज़ आपको आती है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपको आती है लेकिन मेन टाइम पे यानी कभी कभी टाइम पे वो क्वेश्चन या वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आती है, तो मैं इस तरह से मतलब उसको रिसर्च करके पहले जमा करके ये इसमें PPT में पावर पॉइंट के इसमें जमा करके आपको वन बाय वन बताते जाऊँगा, वीडियो बनाते जाऊँगा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एडिट करने के लिए भी टाइम नहीं है इसको, तो मैं आपको मतलब जो है वन बाय वन जैसे जैसे मुझको सहूलत मिलती है वैसे बताऊँगा। तो
ठीक है, और मतलब बहुत सारी मतलब जो चीज़ें हैं ना, मतलब टाइम नहीं है आपको अब, जैसे कि अभी मतलब जो है गिव अवे भी चालू है मेरे ब्लॉग पे होस्टिंग का, जिसमें मैं इनमोशन के 3 होस्टिंग जो है एक कॉन्टेस्ट रखा है, उसमें जो भी जीतेगा मतलब जो 3 विनर रहेंगे उनको इनमोशन जो है जो कि बहुत बढ़िया होस्टिंग है उसका जो लॉन्च प्लान है वो 3 लोगों को दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में अभी ताबिश ने जो कि मतलब मेरा पार्टनर है पाकिस्तान से, तो उसने ये डिसाइड किया है कि वो लोगों को मतलब जो है कुछ ब्लॉगर को यानी पाकिस्तान में ये टी शर्ट प्रोवाइड करेगा। उसने 2 सैंपल बनाए हैं टी शर्ट के, एक ही वाइट में जिसमें लोगो है ब्लॉग का, और एक सेकंड वाली ये रेड मतलब आस्तीन वाली, तो ये उसने 2 रखा है वहाँ के पाकिस्तान वालों को मतलब देगा वो, मतलब पाकिस्तान के ब्लॉगर को, वो इंडिया में नहीं मिल सकती। मैं भी इंशाल्लाह इंडिया में ही कुछ मतलब टी शर्ट बनाऊँगा इसके, और मतलब आपको मतलब प्रोवाइड करूँगा इंडिया के ब्लॉगर को, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में है, उसने 100 टी शर्ट्स का ऑर्डर दिया है, तो वो वहाँ पर मिल जाएंगी। और हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि आपने कोई भी एक्शन पहले नहीं लेनी है। मैं जो इस वीडियो में जो वीडियो ट्रेनिंग सीरीज़ है ये बहुत लंबी होंगी हमारी, और मैं इसमें हर चीज़ को जो है कवर करूँगा, हर क्वेश्चन को, हर चीज़ को, हर ट्रिक को, हर टिप्स को, हर चीज़ को। तो आपने जो है पहले के पहले कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई ब्लॉग नहीं बनाना है। मैं आपको अगले वीडियो में सब चीज़ें बताऊँगा कि ब्लॉग ज़रूरी है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपने कोई भी एक्शन पहले नहीं लेना है, पहले सीखना है, सीखते सीखते करना है ना, सीखते सीखते करना है। पहले कोई भी एक्शन पहले नहीं लेनी है, कोई भी डोमेन बाय नहीं करना है, कोई भी चीज़ नहीं करनी है, कोई होस्टिंग बाय नहीं करनी है इस चीज़ के लिए, और या फिर आपने अमेजोन पे मतलब जो है अकाउंट भी नहीं बनाना है अपना एफिलिएट। मैं आपको हर चीज़ अकाउंट वगैरह सब A to Z बताऊँगा, इसलिए आपने जो वीडियो का वेट करना है। और जब तक कि मैं फिर आपको, अगर ये वीडियो है तो उसके आगे के लिए होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। मतलब जो अगर मैंने आज वीडियो बनाई तो जब तक कि मेरे अगले वीडियो तक के मैं लिए आपको एक होमवर्क दूंगा, मतलब वो आपके लिए एक ब्लॉग पे जो या ब्लॉग बनाऊंगे या जो भी चीज़ पे, मतलब उस चीज़ के लिए सीखने के लिए या वर्क करने के लिए मैं आपको काम दूंगा जिसको आपको करना है जब तक के लिए, ठीक है। और बात रही कमेंट्स की, क्वेश्चन की, ठीक है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन मतलब आपके माइंड में है तो ये जो वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, तो आपने उसके नीचे कमेंट्स करना है क्वेश्चन के लिए, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में वो क्वेश्चन को लूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन आप पूछोगे क्या क्या मतलब, तो वो मैं आपको उसको बता सकूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। और ये जो कमेंट्स जो है आपने यूट्यूब के वीडियो में ही करनी है, मतलब और जहाँ पे आपको ये अगर वीडियो कहीं पे शेयर दिखेंगे आपको वहाँ नहीं करनी है, क्योंकि मैं मतलब अगर किसी ने उसके ब्लॉग पे शेयर किया होगा तो मैं वहाँ पे थोड़ी ना रिप्लाई कर सकूँगा, या फिर फेसबुक पे रिप्लाई नहीं कर सकूँगा। आपने यहीं पे यूट्यूब पे करना है कमेंट्स, ताकि मैं जो है वहाँ पे मतलब उसको बराबर मैनेज कर सकूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए मतलब मैं भी वेट करूँगा अगले वीडियो बनाने तक। और जो है आपने कोई एक्शन नहीं लेना है, और इसके लिए मतलब आपने सबसे पहले जो आपका होमवर्क है आज का अगली वीडियो तक, वो ये है कि आपके माइंड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो है गूगल एडसेंस जो है बहुत मतलब जो है डिफ़िकल्ट है, उससे मनी अर्न करना इतना इजी नहीं है। या तो फिर स्पैम करके आप मनी अर्न कर सकते हो, जो कि सही नहीं है इतना, मतलब क्योंकि उसमें बैन होने के चांसेस है। तो मतलब फॉर एग्जांपल आपने स्पैम करके $100 कमा भी लिए और तभी आपका बैन हो गया, तो वो आपकी मतलब स्पैमिंग भी एक मेहनत होती है ना, उस स्पैमिंग में आपको भी मेहनत लगती है, तो वो भी आपकी मेहनत आकार आ जाएंगी, है ना। तो वो तब तक के कुछ आप माइंड बनाना आपके लिए कि मैं जो है अमेजोन से जो है मनी अर्न करूँगा। और ट्रस्ट मी, अमेजोन से आप जो है कई गुना ज़्यादा एडसेंस से मनी अर्न, इससे मतलब एडसेंस से कई अच्छी मनी अर्न कर सकते हो, है ना। और आपका एक मैं एवरीथिंग बताऊंगा आपको, ब्लॉग के बारे में, नीची के बारे में, डोमेन के बारे में, एवरीथिंग कवर करूंगा इस सीरीज़ में। यह हमारी सीरीज़ बहुत लंबी होंगी और इसमें हम हर चीज़ डिटेल में करेंगे, क्योंकि ये कोई मतलब ट्यूटोरियल नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या इस तरह से ब्लॉग बनाओ, यहाँ से इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो, इस तरह से नहीं होगा। ये शॉर्ट वीडियो नहीं होंगे, ये लंबे वीडियो होंगे, इसमें आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए गुड बाय।